हेलो गाइस, वेलकम बैक YouTube चैनल द ओवली व्यू। एंड इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईएसओ फ्लोरीन का जो वेपराइजर है, ये हमारा सिग्मा पैलोन सिग्मा डेल्टा, उसको कैसे फिल करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले हमने ये नई बोतल है, इसको हम खोलने जा रहे हैं आईएसओ की। ये फिलर है इसका, ये इसके दो लोक है, एक ये दोनों लोग को पिलर के साथ में लगाएंगे इस तरीके से। और ध्यान रहे, इन दोनों का जो कलर है देख सकते हैं, ये भी पर्पल कलर का फिलर है, बोतल है, ये भी पर्पल कलर में लिखा हुआ आईएसओ फिलर है, इसके कवर भी पर्पल है और ये भी पर्पल कलर का है। तो ये सारी के सारी आईएसओ है क्योंकि सारे के सारे पर्पल कलर के हैं। तो हम इसको भरने जा रहे हैं। भरते वक्त हमको ध्यान रखना है कि यहाँ जीरो पे हो, बंद हो, ओपन ना हो। अगर ओपन है तो उसको जीरो पे लाके पहले बंद करना है, उसके बाद में इसको फिल करना है। तो अभी ये हमारा बंद है, हम इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इधर जाएंगे, इधर से ओपन करेंगे, ओपन करके इसको ये बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालते वक्त अब ध्यान रहेगा कि यहाँ पे इस फिलर के अंदर कट दिया हुआ ये वाला, ये जो कट जाएगा यहाँ पे एक पिन है, इधर जाएगा। एंड इसके दो होल है, एक वाटर इसके लिए जाता है एंड दूसरा जो रहेगा इसका फिल करने के लिए रहेगा, एक से बबल जाएंगे। अब यहाँ से मैंने इसको लगाया, पूरा अंदर घुसाने के बाद मैं इसे टाइट कर दिया। और टाइट करने के बाद में अब मैं बोतल को ऊपर उठाऊँगा और उसके साथ में फिर यहाँ से इसको ओपन करूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर बोतल के अंदर आपको बबल्स जाते हुए दिख जाएंगे। ये बबल्स जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपका यहाँ से फिल हो रहा है। अब आईएसओ का वेपराइजर आपका फिल होना चालू हो गया है, तो उसको फिल करते रहेंगे। अभी फिल कब तक करना है, इसको फिल इतना करना है कि ये जो मार्किंग दी हुई है ब्लैक वाली मार्किंग, इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ही रहे या इस तक ही रहे। और फिल कब करना होता है, ये जो नीचे वाली मार्किंग दी हुई है ब्लैक वाली, इससे नीचे जाते ही या इस पर जाते हमको इसको फिल कर देना, चालू कर देना चाहिए। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम अगर फिल हो चुका है हमारे वहाँ तक का, तो सबसे पहले हमको इसको बंद करना है। इसको बंद करने के बाद में बोतल को नीचे लेके आना है। नीचे लाने के बाद में थोड़ा रोकना है, थोड़ी देर रोकना है, कुछ फिर 5 सेकंड तक, क्योंकि जो ट्यूबिंग्स के अंदर है वो वापस आ जाए। फिर यहाँ से इसको खोल के इसको बाहर निकाल देना और सेम इसी तरीके से इसको अंदर डाल के यहाँ से बंद कर देना। तो अब ये हमारा वेपराइजर जो है रेडी टू यूज़ हो चुका है, क्योंकि ये अच्छे से फिल हो चुका है। अब इसको आसानी चला के हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था तरीका एक पैलोन सिग्मा डेल्टा वेपराइजर को कैसे भरते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।